हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडू स्टूडियोस। दोस्तों, जब बात एक्शन एंटरटेनर जॉनर की होती है तो पावर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, डायरेक्टर अहमद खान और भारत के सबसे कम उम्र के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ की इस तिगड़ी ने समय समय पर साबित किया है कि इसमें इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस बात को और पक्का करने के लिए फिल्म को ऐसे एंटरटेनर की तरह ट्रीट किया गया जैसे पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो, और इसके लिए बहुत से एक्शन डायरेक्टर्स को फिल्म में शामिल किया गया है, वो भी अलग अलग सीन्स के लिए। साजिद नाडियाडवाला ने स्टारशिप ट्रूप्स और उनकी फेमो फैजल, ब्रह्मास्त्र और वॉर फेम, परवेज शेख, बागी 2 और बागी 3 की फेम केचा को लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, चैत्रदा चंद्रमा फेम राम लक्ष्मण और भी बहुत से एक्शन डायरेक्टर्स को इस फिल्म में शामिल किया गया है फिल्म के एक्शन सीन्स पर काम करने के लिए। वैसे बागी 2 और बागी 3 जैसी फिल्मों के बाद तीनों अब कुछ और अलग करते हुए हीरोपंती 2 के साथ कुछ नए बेंचमार्क सेट करने की तलाश में हैं। बता दें, इस बार ब्लॉकबस्टर की अगली कड़ी को एक बड़े स्केल पर बनाया गया जिसमें पहले कभी नहीं देखे गए एक्शन सीक्वेंसेस को विटनेस किया जाएगा। इसके लिए सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर्स को शामिल किया गया जिन्हें उनके असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अल्ट्रा मॉडर्न काम के लिए जाना जाता है। प्रोड्यूसर्स दर्शकों के लिए नेक्स्ट लेवल के एक्शन एंटरटेनर की पेशकश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखा जाए तो दोस्तों, ये मेकर्स इस फिल्म को बहुत खास बना रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इस फिल्म को हॉलीवुड के लेवल पे सेट किया जाए। अब ये तो जब फिल्म रिलीज होगी या जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा तभी पता चलेगा कि जितनी फिल्म की तारीफ की जा रही है क्या वो लेवल अचीव हो पाया है या नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ एक एक्शन एक्टर हैं जो जाने जाते हैं अपनी एक्शन सीक्वेंसेस के लिए और हर फिल्म में वो कुछ नया करते हैं। और इस फिल्म के लिए तो एक्शन डायरेक्टर की लिस्ट लगी पड़ी है, लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो देखना होगा क्या वो लेवल अचीव हो पाया या नहीं। ये फिल्म रिलीज हो रही है ईद के खास मौके पर 29 अप्रैल को। आपको क्या लगता है कितना मजा आने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडू स्टूडियोज़।